हम सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं कि इतना समय ना लें और जल्द से जल्द जो जिस तरह के हालात हमारे देश में बने हुए हैं, खासकर जम्मू कश्मीर में और राजौरी जिले में, तो हमें ये वेपन्स इशू किए जाएं। वैसे तो अभी खासकर इस जो हमारी यहाँ पे डिफेंस लाइन है, यहाँ से इतनी घुसपैठिया नहीं हो रही है, वो हमें जहाँ तक लगता है कि स्लीपिंग सेल्स ही एक्टिवेट हुए हैं। आर्मी से हमें बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती है, जितने भी हम बीडीसी हैं बाडी एरिया से जुड़ते हैं। ये 1964 से हमारे बुजुर्गों को जहां राइफल मिली थी 303, उनके द्वारा हमारे ये बाडी एरिया के लोग जितने भी हैं अपने गांव की रक्षा करते हैं। जब आपने कोई घुसपैठिया मिलता है तो हमारे जो बीडीसी है कोई डरने वाली नहीं है, वे खुद भी उन पे फायर करके पिछले जो 10-12 साल 15 साल से पहले एक एनकाउंटर हुआ था, वहां पे भी हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने फायर से 3 मिलिटेंट गिराए थे। तो उनके साथ अपना ग्रुप था, कोई 8-10 बंदे हमारे बीडीसी वाले थे उनके साथ थे, वो फायरिंग करते रहे। उसके बाद जब बंदे काउंटर उनका बीडीसी वालों का चल रहा था, साथ में उनके आर्मी भी पहुंच गई, आर्मी पहुंचने तक उन्होंने तो 3 बंदे गिरा दिए। बीडीसी तैयार हैं जैसे कई ऑपरेशन होता है जैसे आगे बढ़ने के लिए आर्मी का साथ देने के लिए? बिल्कुल, हम जितने भी हमारे गांव के नौजवान जंग हैं बिल्कुल आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। उनको ऑटोमेटिकली हथियार मिल जाए, हम प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करेंगे, आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे बॉर्डर एरिया को जल्द से जल्द ऑटोमेटिकल हथियार प्रोवाइड किए जाएं और हम आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लड़ने के लिए तैयार हैं और अपने गांव की रक्षा कर सकें। सर देखो, आप तो जानते हो अभी हालात नाजुक चल रहे हैं और ऊपर से 2-3 दिन बाद इंडिपेंडेंस डे है और यहाँ पर बहुत ही नाजुक हालात चल रहे हैं। एवरी मंथ यहाँ पर, एवरी वीक यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई हरकत छोटी से छोटी और एनकाउंटर भी चल रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर अलर्ट किया गया है और खासकर बीडीसी जो इस गाँव के बीडीसी है उनको अलर्ट किया गया है कि रात के समय में आपने बाहर नहीं निकलना और अगर कोई हरकत आप नोटिस करते हो तो आप जल्द से जल्द आर्मी को इन्फॉर्म करें। और आर्मी भी हमारी बिल्कुल साथ में प्रोटेक्शन के लिए खड़ी है और जिस टाइम हम हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हैं तो आर्मी हमारे साथ खड़ी होती है। तो किस तरह से बीडीजी मेंबर यहाँ काम कर रहे हैं, अलर्ट है, जैसे रात को पहरा देते हैं, क्या करते हैं बीडीसी मेंबर्स? सर जैसे कोई हरकत गांव की तरफ से या गांव के कोई विशेष अगर बताए कि हरकत हुई है तो सबसे पहले बीडीसी मेंबर्स जाके कॉर्डन करते हैं और उसके बाद आर्मी को कॉल कर देते हैं हेल्पलाइन नंबर पे। फिर जब तक आर्मी आती है तब तक वो बीडीसी मेंबर्स हैं जो जितने भी जिनको वेपन्स इशू हुए हैं वो वहाँ पर कॉर्डन करते हैं। तो किस तरह की अभी जोश है कि हम जो भी आतंकी है उनको मार गिराएंगे? सर अभी आपने एक यहाँ मदद की हुई आर्मी की कि आप उनकी हेल्प कर रहे हैं उनको रोकने में? सर अभी तो देखो सरकार की तरफ से भी एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि MHA जो है डिक्लेयर की है कि उन्होंने SL और इंसास सेमी ऑटोमेटिक वेपन है जो वो इशू करने जा रही है। और हम सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं कि इतना समय ना लें और जल्द से जल्द जो जिस तरह के हालात हमारे देश में बने हुए हैं खासकर जम्मू कश्मीर में और राजौरी जिले में, तो हमें ये वेपन्स इशू किए जाएं। तो आप बिल्कुल लड़ रहे हैं फौज के? जी सर। जो भी आतंकी है उनको रोक रहे हैं? जी सर। वैसे तो अभी खासकर इस जो हमारी यहाँ पे डिफेंस लाइन है यहाँ से इतनी घुसपैठिया नहीं हो रही है, वो हमें जहाँ तक लगता है कि स्लीपिंग सेल्स ही एक्टिवेट हुए हैं क्योंकि बॉर्डर डिफेंस बहुत मजबूत हुआ है, वहाँ पे आगे फेंसिंग है और हमारे जो सोल्जर्स है वो डे नाइट सख्त ड्यूटी देते हैं। सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया।
Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.